फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोस्नाज होम। आज हम आपके सामने जलेबी की रेसिपी लेकर आए हैं। इस लॉकडाउन में आप सब तो घर पे ही है और घर पे ही खाना बना रहे हैं, सब कुछ घर पे ही बनाना हो रहा है क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते। तो बहुत ही आसान तरीके से घर में बैठकर जलेबी का आनंद उठाइए। मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा जलेबी घर में बना सकते हैं। जलेबी बनाने में बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगता है जो ऑलमोस्ट सबके घर में अवेलेबल होता है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की और बाहर से कुछ भी सामान लाने की। ये इजिली सबके घर में अवेलेबल होता ही होता है। तो चलिए हम रेसिपी पे चलते हैं। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे। हमने 4 स्पून मैदा लिया है, इसमें अराउंड 4 पीपल खा सकते हैं। अगर घर में 2 ही लोग हैं तो आप 2 ही स्पून मैदा लीजिए। हमने 4 स्पून मैदा लिया है, हमने 1/2 स्पून राइस फ्लोर डाला है। राइस फ्लोर डालने से जलेबी कुरकुरे बनते हैं। 1 स्पून दही डालेंगे, 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम बहुत ही कम डालेंगे, ओनली 1 पिंच। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर भी डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको हम पहले थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम पहले थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, एक बार में ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बैटर बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बैटर रेडी है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी सेमी थिक होनी चाहिए, ना मोटा ना पतला। आप देख सकते हैं ये इस तरह से होनी चाहिए। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। और अभी हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे, ये कप 160 ml का है, और 1/2 कप पानी। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे बॉयल होने तक। एक बार बॉयल हो जाए फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। इसे हम बीच बीच में मिलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चाशनी बॉयल हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक बॉयल होने देंगे। इसमें हम 1 इलायची डाल देंगे, इसे फ्लेवर अच्छा आता है। इसे हम कूटेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे। तो ये हमारा चाशनी बनके रेडी हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस हम बहुत ही कम डालेंगे, 1/4 स्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेमन जूस डालने से चाशनी जमता नहीं है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा चाशनी बनके रेडी हो गया। तो चाशनी हमारा रेडी हो गया है, अब हम जलेबी बनाएंगे। जलेबी बनाने के लिए हमने ये डब्बा लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉटन कपड़ा यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कॉटन हैंकी है तो वो ले सकते हैं और उसमें छोटा सा छेद कर दीजिए, फिर आप उसे बना सकते हैं। अब हम इसको डब्बे में डाल देंगे। बैटर हमने डब्बे में डाल लिया है, अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम जलेबी को फ्राई करेंगे। जलेबी फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है, फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। जलेबी को डीप फ्राई करना है तो इसमें हम थोड़ा ज्यादा ही ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें जलेबी फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से हो रहा है और ये ऊपर भी आ गया है, मतलब ये ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और जलेबी बनाएंगे। तो हम जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं।
जलेबी बनाते टाइम अगर सेब अच्छा ना बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जलेबी खाने में तो अच्छा ही लगेगा और जलेबी तो वैसे भी टेढ़ा होता है। अगर बैटर का कंसिस्टेंसी अच्छा है और तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं है तो फिर आपका जलेबी अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जलेबी हो गया है, इसका कलर कितना अच्छा है, गोल्डन ब्राउन। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। निकाल के हम इसे डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। इसे हम कुछ सेकेंड तक चाशनी में डुबोएंगे, 5 से 10 सेकेंड, फिर हम इसे निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। हम इसी तरह से बाकी भी फ्राई कर लेंगे। इसे हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और फिर चारों साइड जाके इसे हम बीच में लाके छोड़ देंगे। इसे हम पलट देंगे और इसे बीच में एक दो बार पलटते रहेंगे और चेक करेंगे ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है। हम इसी तरह से बाकी भी फ्राई कर लेंगे। अभी थोड़ा और बचा है तो उसे भी हम कर लेते हैं। तो ये हमारा जलेबी बनके रेडी हो गया है। तो ये हमारा जलेबी बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं 4 स्पून मैदा में कितना सारा जलेबी बन गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, कितना अच्छा बना है ये, और ये काफी क्रिस्पी भी है। एक हम आपको ट्राई करके दिखाते हैं ये कैसा है। सो गुड, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी। तो आप इसे एक बार जरूर ही ट्राई कीजिए। इसमें 4 लोग तो आराम से खा सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर सेब ना भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेस्ट वाइज तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जलेबी बनाना बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो एक बार हमारी रेसिपी फॉलो करके जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि ये कैसा बना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।